हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे एक खूबसूरत चीज़ शेयर करेंगे। ये कुछ कैटरपिलर्स हैं जो कि लाइम बटरफ्लाई के हैं, जिसका साइंटिफिक नेम पेपिलियो डेमोलियस है। तो ये होस्ट प्लांट पर ही अंडे देती हैं, जैसे सिट्रस फैमिली का कोई भी प्लांट है, नींबू, संतरा, मौसमी या फिर करी पत्ता और बेल का पेड़, तो उस पर ये अंडे देती हैं, उनसे लार्वा बनते हैं और फिर एक सुंदर तितली बनकर तैयार होती है। तो इनको हमने एक बास्केट में रखा हुआ है और टाइम टू टाइम यानी सुबह और शाम इनको नींबू की ताज़ी पत्तियाँ देते हैं। आप करी पत्ता भी दे सकते हैं, बेल की पत्तियाँ भी दे सकते हैं, क्योंकि ये इनको ही खाती हैं। और पुरानी जो पत्तियाँ हैं उनको हटाते रहते हैं। ताज़ी पत्तियाँ देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट होता है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हम इनको कलेक्ट करते हैं और एक बास्केट में रख देते हैं, क्योंकि बाहर इनको चिड़ियाँ खा जाती हैं और आप खुले में रखेंगे तो इसको छिपकली या चींटियाँ भी खा जाती हैं। तो इसको नेट से आप कवर कर दीजिए, यानी फ्रेश एयर भी जानी चाहिए। तो एक जो लार्वा है, जो कैटरपिलर है, वो तैयार होने के लिए एक साइड में जाकर अपना तैयार हो रहा है। तो इस तरह से ये तैयार होते हैं। इस पर एक वीडियो हम पहले शेयर कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। तो टाइम टू टाइम आप सफाई भी करते रहिए, क्योंकि ये गंदगी बहुत करते हैं। जितना खाएंगे उतनी ही ज़्यादा गंदगी भी करते हैं। तो ये बहुत प्यारे होते हैं देखने में, आपको ये अच्छे नहीं लगते हैं। बहुत से हमारे व्यूअर्स पहले इनको उठाकर फेंक देते थे अपने प्लांट पर से, लेकिन फिर काफ़ी समझाने के बाद, क्योंकि ये ज़्यादा पत्तियाँ नहीं खाएंगे, कुछ ही पत्तियाँ खाते हैं और फिर एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनने के लिए ये तैयार हो जाते हैं। तो देखिए कितने सारे हमने कलेक्ट किए हुए हैं। तो इनको सेव करना ज़रूरी है क्योंकि ये पॉलिनेटर्स हैं, इनसे ही हमारे फ्रूटिंग प्लांट पर फ्रूट्स आएंगे, वेजिटेबल पर वेजिटेबल्स आएंगी। तो देखिए ये अपने आप थोड़ा सा खाने के बाद कुछ दिन बाद ही इस तरह से एक प्यूपा में बदल जाते हैं, क्राइसलिस जिसको कहते हैं। और ये पूरा नेट पे इस तरह से इन्होंने हैंग कर लिया था अपने आप को, इसीलिए इस नेट को ही हमने एक कार्डबोर्ड बॉक्स में रख दिया है। लेकिन इसको आप खुले में रखें और खुले में थोड़ा नेट से कवर कर दीजिए, क्योंकि चींटियाँ, छिपकली और चिड़िया और बहुत सी चीज़ों से इनको खतरा भी रहता है। तो इस तरह से इस नेट को ही हमने ये कार्डबोर्ड बॉक्स था, तो इसमें हमने इसको इस तरह से एक स्टिक लगा करके, जो कि झाड़ू की एक सीक थी उसको लगा करके इस पर हमने हैंग कर दिया है, और ऊपर से इसको नेट से कवर कर देते हैं। और अब ये बहुत आराम से बिना खाए, क्योंकि अब इनको खाना नहीं है, ये प्यूपा में बंद हो चुके हैं। इसकी पूरी वीडियो हमने एक शेयर की हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कीजिए। तो कुछ ही दिनों में इसमें से तितली बनकर तैयार हो जाती है, कुछ इस तरह से। तो अब इसको रिलीज़ करने की बारी आई है, ज़्यादा टाइम इसको बंद नहीं रखना चाहिए। ये प्यूपा से जब निकलती है उसके बाद आपको 2 घंटे के अंदर अंदर ही इसको रिलीज़ कर देना है। जब ये इसके पंख फड़फड़ाने लगे तो समझ लीजिए, जैसे इस तरह से हैंग है, तो अभी इसको हम कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और जब ये इसके अंदर उड़ने लगेगी तभी इसको हम बाहर खुले में छोड़ेंगे, क्योंकि इसको तुरंत बाहर हमें रिलीज़ नहीं करना है। इसके पंख गीले होते हैं, जब तक वो सूखेंगे नहीं तब तक ये सही से उड़ नहीं पाएगी। तो जब इनके पंख सूख जाते हैं प्यूपा से निकलकर, तभी आपको इनको रिलीज़ करना है। तो इस तरह से हमारे गार्डन में ही इनको हमने रिलीज़ किया है, और जाकर के देखिए ये प्लांट्स पर बैठ जाती हैं, और फिर इनको बिल्कुल आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि इनको रेस्ट करना होता है। चुपचाप ये थोड़ी देर बैठेंगी और फिर अपने जहाँ इनको जाना होगा वहाँ ये चली जाएंगी। तो धीरे धीरे करके एक एक प्यूपा में से इसमें से तितली निकलनी शुरू हो चुकी है, और बहुत खुशी होती है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमारे बहुत से व्यूअर्स जो हैं उन्होंने शुरू में कैटरपिलर्स को मार दिया था या गार्डन से दूर फेंक दिया था, क्योंकि ऐसे ही कमेंट्स आते थे। लेकिन जब से हमने इस टॉपिक पर वीडियो शेयर की, हमारे बहुत से व्यूअर्स इनको सेव करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए एक साथ इसमें 3 तितलियां बनेंगी तो और भी ज़्यादा खुशी होगी। तो टोटल हमने 9 बटरफ्लाइज रिलीज़ की, जो कि बहुत ही दिल को खुशी मिली है ये काम करके। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इनको कुछ नहीं देना होता, बस आपको लेमन प्लांट अगर आपके पास है तो कुछ पत्तियाँ दीजिए। और इसको लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि आपका लेमन प्लांट बेकार हो जाएगा, क्योंकि पत्तियाँ फिर से आ जाती हैं। लगभग 10 से 15 दिन में न्यू लीव्स आ जाएंगी आपके प्लांट पर, तो परेशान नहीं होना है। तो ये देखिए इस तरह से तितली कुछ पीपा में से निकलती है, इस पर एक वीडियो हमने शेयर की हुई है एमर्जिंग पर। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिलेटेड वीडियोज़ ज़रूर चेक किया कीजिए। तो इसको बाहर निकल कर बिल्कुल देखिए डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। इनको बहुत तकलीफ़ होती है, ये जो प्रोसेस होती है इसमें एक तितली को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो इसीलिए आपको इनको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है जब ये प्यूपा में से बाहर निकलती हैं। अब देखिए धीरे धीरे इनके पंख बड़े होते हुए आपने देखे, और ये धीरे धीरे खुलेंगे।
क्योंकि इनके विंग्स में जो वेन्स हैं यानी कि जो नसें हैं इनके पंखों में, उसमें ब्लड फैलेगा, खून फैलेगा, इसीलिए इनको इस तरह से हैंग रहना पड़ेगा। और तभी ये 2 से 3 घंटे बाद उड़ान भर पाएंगी, लेकिन फिर भी ये रेस्ट करेंगी उड़ने के बाद भी थोड़ी देर गार्डन में। तो देखिए 3 तितलियाँ तैयार हो चुकी हैं और इनको जब हम रिलीज़ करेंगे तो ये उड़कर गार्डन में कहीं भी बैठ जाती हैं। फिर ये बैठी रहती हैं काफ़ी टाइम तक, और फिर ये जैसे आपने जिस गार्डन में इनको रिलीज़ किया है उसी गार्डन में ये फिर से आएंगी, रस लेकर जाएंगी। और फिर अगर आपके गार्डन में लेमन प्लांट है, करी प्लांट है या फिर बेल का पेड़ है, तो ये वहाँ पर फिर से अंडे देंगी और फिर से ब्यूटीफुल कैटरपिलर तैयार होंगे और ब्यूटीफुल बटरफ्लाई आपके गार्डन में फिर से घूमेंगी। तो हमारे गार्डन में भी डिफरेंट बटरफ्लाई आती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये लेमन प्लांट पर यही तितलियाँ अंडे देती हैं जो लेमन बटरफ्लाई हैं। तो एक वीडियो हमने शेयर की है, उसमें डिफरेंट बटरफ्लाई हमने आपसे शेयर की हैं अपने गार्डन में जो आती हैं। लगभग 9-10 तितलियाँ हैं, 9-10 तरह की तितलियाँ हैं जो हमारे गार्डन में आती हैं। तो देखिए धीरे धीरे एक एक करके सभी प्यूपा को छोड़कर बाहर आ रही हैं और धीरे धीरे हमारे घर को छोड़कर ये जा रही हैं, लेकिन ये फिर से लौटेंगी। तो ये काम बहुत अच्छा लगता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अंडे से तितली बनने का सफ़र 30 से 35 दिन का होता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 25 से 30 दिन में भी ये तितली बनकर तैयार हो जाती है। आप में से काफ़ी व्यूअर्स ये सोचेंगे कि हमने तितलियों को बंद क्यों किया हुआ है, तो ये बंद नहीं किया है, ये प्यूपा में से अभी निकली हैं और अब ये खुले आसमान में उड़ने के लिए तैयार हैं। ये इनकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बाहर इनको इनकी जान का खतरा रहता है, चिड़िया पक्षी या जो छिपकली होती हैं, चींटियाँ होती हैं, उनसे इनको खतरा रहता है। तो जितना हम सेव कर सकते हैं हम करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पॉलिनेटर्स हैं यानी कि ये परागण करती हैं। जब ये रस लेती हैं पेड़ों के फूलों पर से, तब उसमें परागण होता है और उन्हीं से ही फल और सब्जियां बनकर तैयार होती हैं। अगर हमारे यहाँ पर पॉलिनेटर्स ख़त्म हो जाएं तो अकाल हो जाएगा, लोग भूखे मरने लगेंगे, खाने के लिए जो सब्जियां हैं फल हैं वो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। हैंड पॉलिनेशन भी कब तक किया जा सकता है? तो पॉलिनेटर्स बहुत ज़रूरी हैं हमारे भोजन के लिए, इसीलिए आप इनको सेव कीजिए। बाहर जैसे चिड़ियाँ हैं, आप सोचेंगे कि इसमें चिड़ियों का भी नुकसान है, तो नुकसान कुछ नहीं है, उनको बाहर दूर दूर बहुत सारे लार्वा मिल जाएंगे, लेकिन जो हमारी आंखों के सामने हैं हम उनको सेव कर सकते हैं। हमारे आसपास प्रकृति में क्या चल रहा है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है और उनको सेव भी करना ज़रूरी है अगर आप कर सकते हैं तो। तो ये सब सीखने में काफ़ी समय भी लग जाता है, लेकिन उसके लिए हम हैं, प्रकृति से रिलेटेड जानकारी हम आपसे शेयर करते रहते हैं टाइम टू टाइम जितनी कोशिश हो सकती है। तो आप चैनल पर बने रहिए और इस तरह की वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए। इन सबको आपको चींटी से, छिपकली से, बंदर से, चिड़िया से सबसे बचा कर रखना है, और किसी स्टूल पर रखिए क्योंकि नीचे चींटियों का खतरा भी रहता है, और नेट का प्रयोग कीजिए जिससे एयर भी पास होती रहे। तो इस तरह से हमारी सारी तितलियाँ उड़कर जा चुकी हैं और वो बिल्कुल खुले में हैं, फ्री हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कोई क्वेरी हो तो पूछिए। थैंक यू।